अलैकुम सामीन, आज हम आपसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बारे में डिस्कस करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आपके वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन मुकर्रर किया। आपने खुदा पाक से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बेमिसाल बादशाहत अता फरमा जो आपने किसी को भी अता ना की हो। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जन्नात, दरिंदों, चरिंद, परिंद और दीगर मखलूक पर भी हुकूमत अता फरमाई। इन सब की बोलियां भी आप समझते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा के तौर पर हवा को मुसख़र किया हुआ था। वो जहां जाते उनका तख्त हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता और ज़रूरत पड़ने पे वो जिन्नात से भी काम लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा था जिसका नाम हुदहुद था। आप अलैहिस्सलाम उससे कई तरह के काम लिया करते थे। एक दफ़ा आपने उसको गायब पाया तो फरमाया, मैं उसको सख्त सज़ा दूँगा अगर वो बिना किसी सही उज़र के गायब हुआ है तो। कुछ देर के बाद हुदहुद ऐसी खबर लेकर आया जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने उसके गायब होने की माफ़ी कबूल फरमा ली। हुदहुद ने आकर बताया कि मैंने सबा के इलाके में एक औरत को हुक्मरानी करते पाया है जिसके पास एक बहुत बड़ा तख्त है और वो लोग सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उन्हें भटका रखा है। जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के ज़रिए ही सबा के इलाके की मलका बल्कीस को मुसलमान होने के लिए ख़त भेजा। जैसा कि सूरत नमल में आया है, मलका सबा कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक अहम ख़त आया है। बिला शुबा ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक उसकी इब्तदा अल्लाह के नाम से है जो खूब बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। उसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबला में सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलका ने कहा, ऐ कौम के सरदारों, इस मामला में मुझे अपना मशवरा दो। जब तक तुम मौजूद ना हो मैं कतई फैसला नहीं करती। इन सब ने जवाब दिया, हम बड़े ताकतवर और सख्त जंगजू हैं, फैसला का इख्तियार आपके पास है। आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं। मलका बल्कीस समझ चुकी थी कि इसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत मौजूद ना है। उसने अपने वज़रा से कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को बहुत जलील करते हैं, इसलिए मैं कुछ तहाइफ भेजकर अंदाज़ा लगाती हूँ, क्योंकि वो बादशाह है या नबी इसका फ़ैसला अभी हो जाएगा। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती तहाइफ कबूल करके फ़ैसला कर लेंगे और अगर वो नबी हुए तो हमें इन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बल्कीस के तहाइफ देखे तो कासिर से कहा, उन्हें बता दो कि अल्लाह पाक ने मुझे खूब माल और दौलत से नवाजा है, मुझे इस दौलत की कतई ज़रूरत ना है, इसलिए बेहतर है तुम लोग मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसकी सकत तुम में नहीं है और वो तुम्हारी जिल्लत का बायस बनेगा। जब कासिद ने वापस आकर मलका बल्कीस से कहा कि अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत ज़्यादा माल और दौलत से नवाज रखा है, वो तुम्हारे खिलाफ़ बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, मलका बल्कीस फौरन समझ गई। उसने अपने वज़रा से कहा कि चलें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकली, अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम को मुतला कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवा लिया और उसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवाया ताकि उसका इम्तहान ले सकें। जैसे ही वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुँची, पहले तो वो अपना तख्त देखकर हैरान हुई, फिर शीशे का बना महल देखकर हैरत में पड़ गई और पुकार उठी कि आज से पहले मैंने अपने नफस पर बहुत जुल्म किया, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमा बरदार बन गई हूँ। एक और जगह पर फरमाया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस के मुसलमान होने से पहले उसका तख्त यहाँ लेकर आए। जिन्नात में से एक दियो है कल ताकतवर जिन ने कहा कि मैं वो तख्त ला देता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। उसके बाद एक और आदमी ने कहा जो अल्लाह पाक की किताब का इल्म रखता था, उसने कहा कि आपकी पलक झुकने से पहले ही मैं तख्त आपके पास लाकर दे दूँगा। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास पाया तो फरमाया कि ये मेरे रब का फजल है। फिर जब मलका बल्कीस आपके पास मुती होकर आ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है, तो उसने जवाब दिया, ये तो हूबहू वही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से कहा, इस महल में चलो। जब उसने देखा तो उसे गहरा पानी समझकर अपनी दोनों पिंडियों से कपड़ा उठा लिया, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो जुड़े हुए शीशों का चिकना फर्श है। सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
हकीमाना फैसलों में भी बड़े मशहूर थे। वो अपने वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नबी होने के साथ साथ हुक्मरान भी थे। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी कुव्वत फैसला अता फरमाई, जिसकी वजह से आप लोगों के मसाइल समझ कर मुनसिफाना फैसले करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुकदमा आया कि एक आदमी की बकरियों ने रात के वक़्त दूसरे आदमी के अंगूर के बाग में घुसकर नुकसान कर दिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि खेत वाला बकरियां ले ले, क्योंकि खेत वाले का नुकसान बकरियों की कीमत के बराबर था। बकरियों वाला रोता हुआ बाहर निकला और आप अलैहिस्सलाम को मामला का इलम हुआ तो आपने अपने वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आपका फ़ैसला तो ठीक है, लेकिन इससे बेहतर है कि बकरियों का मालिक खेत की देखभाल करें यहाँ तक कि वो खेती पहले जैसी हो जाए, और खेत वाला बकरियों के दूध और ऊन से फ़ायदा उठाए यहाँ तक कि उसका खेत पहले वाली हालत में आ जाए, फिर बकरियों वाले को बकरियाँ वापस कर दी जाएँ और खेत वाला अपना खेत वापस ले लें। इसमें चूंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ज़्यादा बेहतर था, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला पसंद फरमाया। तो इसके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, हम इस फैसला के वक़्त हाजिर थे, उस वक़्त हमने इस मुकदमे का सही फ़ैसला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया, हालांकि दोनों ही को हमने हुक्म और इल्म दिया था। एक और वाकया में दो औरतें अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ निकलीं। उनमें से बड़ी औरत का बच्चा भेड़िया ले गया। उसने छोटी औरत से कहा, तुम्हारा बच्चा भेड़िया ले गया है, इसलिए ये बच्चा तो मेरा है, ये मुझे दे दो। छोटी ने कहा, नहीं, तुम्हारा बच्चा भेड़िया ले गया है। आखिरकार ये मुकदमा भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ। बड़ी औरत चरब जुबान थी, उसने अपना मौक़िफ बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश किया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला उसके हक में दे दिया। जब वो बाहर निकली तो दोबारा झड़ने लग गई। जैसे ही वो झगड़ने लगी, इतने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हर एक ने दावा कर दिया कि ये बच्चा मेरा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छुरी लेकर आओ, मैं इस बच्चे को चीर कर आधा आधा तकसीम कर देता हूँ। बड़ी तो खामोश रही, लेकिन छोटी औरत जिसका बच्चा था वो चीख उठी और कहा, ऐसा हरगिज़ ना करें, ये बच्चा उसी का है, ये आप उसी को ही दे दें। आप अलैहिस्सलाम फौरन मामले की हकीकत तक पहुँच गए और आप अलैहिस्सलाम ने बच्चा छोटी औरत के हवाले कर दिया। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज रात मैं अपनी 100 बीवियों के पास जाऊंगा, हर एक से एक एक लड़का पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह कहना याद ना रहा। चूंकि इन तमाम औरतों में से सिर्फ एक के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो भी नामुकम्मल, तो अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह कह देते तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। एक और जगह फरमाया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक वादी में जा रहे थे कि चींटियों में से एक ने कहा कि तुम सब अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि लश्कर तुम्हें बेखबरी में रोन दे, जिसको सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में ये मशहूर हो गया था कि जिन्नात के पास गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ज़रिए इस गलत फहमी को भी ख़त्म कर दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इशारा मिल गया कि उनकी वफ़ात का वक़्त करीब है तो उन्होंने जिन्नात को बैतुल मक़दस की तामीर पर लगा दिया। तामीर का अभी काफ़ी काम बाकी था। आप अलैहिस्सलाम ने बाकी काम का सारा नक्शा जिन्नों के सरदार के हवाले कर दिया और काम मुकम्मल तौर पर समझा कर अपनी इबादत गाह में आकर इबादत में खड़े हो गए और अपनी लाठी पर टेक लगा ली। वो एक ऐसी इबादत गाह थी जिसमें शीशे की खिड़कियाँ थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बाहर से देखने वाला यही समझता कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ हैं। इसी हालत में अल्लाह ताला के फरिश्ता ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। वफात पा जाने के बावजूद आप लाठी के सहारे खड़े रहे। इसी हालत में तकरीबन 4 माह गुजर गए। उधर बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल हो गई, उधर अल्लाह पाक ने दीमक को हुक्म दिया, उसने नीचे से लकड़ी खा ली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मैयत गिर पड़ी। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की मैयत गिरी तो जिन्नात समझ गए कि आप अलैहिस्सलाम तो काफ़ी पहले वफात पा चुके थे और यूं ये गलतफहमी भी ख़त्म होगी कि उनके पास गैब का इल्म होता है। वफात के वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 50 बरस थी। आपकी वफात के बाद आपका बेटा रहबाम बादशाह हुआ और 17 साल तक हुकूमत की। उसके बाद बनी इसराइल के सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये थी सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात की हिस्ट्री। अगर आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं तो वह वो भी आप इस चैनल में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।